तो विरार में जितने टूरिस्ट स्पॉट नहीं है ना, उससे ज़्यादा तो यहाँ पर रिसोर्ट है। मतलब एक ऐसी जगह है ना जहाँ पर इतने सारे रिसोर्ट आपको दिखाई देंगे ना, मतलब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि जाए तो जाए क्या, करे तो करे क्या, करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। एंड इस बार मैं आया हूँ हमारे टीम के साथ विरार में। सो दिस इज विरार स्टेशन एंड हमने जस्ट फाइंड किया है एंड टाइम हो रहा है 9:50। हमारा पूरा ग्रुप आया अभी, तो आधे लोग आगे चल रहे हैं, आधे लोग पीछे चल रहे हैं, तो जो लोग पीछे चल रहे हैं उनसे मिलते हैं। हेलो गाइस, यहाँ पे भी कई सारे आपको लोग दिखाई देंगे जो ऐसा ग्रुप देख के पकड़ देता है, रिसोर्ट के लिए आ रहे हैं ना, चलो चलो हमारे पास कर। पर हमारा जो दादा है उसने एक रिसोर्ट बुक करके रखा है, क्या नाम होता, डी डी दी अटलांटिस एक्वा असिस का दोनों, वो कैसे कुछ तो नाम था। आगे जाके आपको बोर्ड दिखा देता हूँ सीधा। कितने लंबे है इकड़ू? 3.4। ओके, 3.4 किलोमीटर डिस्टेंस पर वो रिसोर्ट को देखने मिल जाएगा। हेलो प्रदीप दादा, हाय निकेत दादा, हाय गाइस, काय झालं तो विचारत होता मध्ये चालता वेगळा रिसॉर्ट वाला, तो बोलतो की इथे आपण तुम्ही बुकिंग केले का, जर बुकिंग नसेल तर मी तुम्हाला करून देतो। अच्छा, आपण आपले बुकिंग झालेले। ओके, मग तो त्याची वेगळी मार्केटिंग करत होता, आपलं बुकिंग तर ऑलरेडी झालेलं आहे। ठीक आहे, मग आता काय इथून बाहेर जाऊन शेअर ऑटो बघायचं आपल्याला? नाही, त्यांची बस आहे। बस आहे, अरे वा, इथून आपल्या तिथे रिसॉर्ट पण सोडेल आणि रिसॉर्ट पण चालेल आणि इथून सोडेल। ओके, त्यांची सर्विस असते त्याची। तो जो अनिकेत दादा प्रदीप दादा उन्होंने तो पूरा अरेंजमेंट करके रखा था, पिकअप ड्रॉप लंच ब्रेकफास्ट राइड एंड स्विमिंग पूल पूरा डिटेल निकल के रखा है, तो हमें कोई प्रॉब्लम आने वाली है नहीं। तो देख सकते हो विरार स्टेशन के बाहर ही सब ऑटो वगैरह लगा है। अगर आप कोई भी रिसोर्ट चेक करोगे ना तो यहाँ से आपको ट्रांसपोर्ट का इशू आने नहीं वाला है। फिलहाल देखते हैं बस कहाँ पर है हमारी एंड निकलते। मैं इतने बार ये रिसोर्ट में आके गया ना, मतलब ये वाली नहीं, विरार के रिसोर्ट में। मतलब मैं कॉलेज में था ना तभी मैं DMLT के ग्रुप के साथ आया था एंड बीच में भी हमारी लाइफ की एक बार निकली थी। तो विरार में कई सारे रिसोर्ट है, अगर आपने भी कई सारे रिसोर्ट घूमे तो कमेंट कर सकते हो कि आप कौन कौन से रिसोर्ट घूमे हो, ताकि बाकी ऑडियंस को भी पता चले कि इतने सारे रिसोर्ट है। तो चलो हम तो जा रहे हैं हमारे रिसोर्ट की तरफ एंड मॉर्निंग के 10 बजे भी देखो कितनी सारी रश है यहाँ पर, मतलब पब्लिक देखो। मोस्ट ऑफ तो कॉलेज ग्रुप ही आते होंगे एंड फ्रेंड सर्कल के ग्रुप रिसोर्ट फाइंड करने के लिए। तो चलो देखते हैं आज के दिन में कितने लोग आपको देखने को मिलेंगे। वैसे यहाँ पर ब्रेकफास्ट वगैरह भी आप कर सकते हो, जगह जगह पर आपको फूड स्टॉल मिल जाएंगे। अदरवाइज रिसोर्ट में जाकर तो आपको वैसे भी ब्रेकफास्ट अनलिमिटेड मिल ही जाएगा। ये देखो पूरा का पूरा कॉलेज ग्रुप आया है रिसोर्ट की तलाश में एंड ये रही कुछ बस जो बाकी के रिसोर्ट के लिए पिकअप कर रही है। अभी हम आ गए इस बस स्टॉप में, लास्ट टाइम भी यहीं से हमने बस पकड़ी थी। तो चलो देखते हैं हमारी जो बस है वो कहाँ मिलेगी। सो 10:13 टाइम हो रहा है एंड फाइनली बस आ गई यहाँ पर। तो देख सकते हो कितने सारे पब्लिक है वो एंड ये रहा हमारा ग्रुप। तो 10:15 को स्टार्ट किया था एंड अभी 10:35 हो रहे हैं। सो 20 मिनट की राइड यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है एंड बस अभी जस्ट रुकी। तो चलो वहाँ से एंट्री है, हालांकि अभी हम आ रहे थे बस से तो देखे कि काफ़ी सारे लोग अंदर इंजॉय भी कर रहे थे, मतलब उन लोग कितने बजे आए हो गए तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो अभी तो हम आ गए जो कि हो रहे 10:35
एंड देख सकते हो पार्किंग भी अवेलेबल है यहाँ पर। तो कुछ लोग तो शेयर ऑटो से भी आ रहे थे, तो अगर आप बस मिस कर देते तो शेयर ऑटो भी आप ले सकते हो। तो चलो आपको वहाँ का बोर्ड दिखा देता हूँ रिसोर्ट का। हमारे जो प्रदीप आ गए वो तो पहले उतर के गए टिकट निकालने के लिए, बिकॉज टिकट के लिए भी काफ़ी लंबी लाइन लगी है वहाँ पे। ये रहे मेन टिकट की लाइन, देख सकते हो कितनी लंबी लाइन लगी है यहाँ पे। तो एंड ये रहा रिसोर्ट का नाम। अभी अंदर जाके अंदर का सीन कंटिन्यू करेंगे, कितनी बड़ी स्लाइड है, कितना बड़ा पूल है, कितना मजा आने वाला है। तो टिकट निकाल के निकलते अंदर से। चलो 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 चलो, अपन सेकंड से 800 पर पर्सन घेत। तो स्टार्टिंग में तो सबको बैंड दिया है, हालांकि सब रिसोर्ट में तो देते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। तो चलो पहले जाके चेंज करते हैं, फिर ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर जाएंगे पूल में। तो स्टार्टिंग देख सकते हो सब, वो पूल देखो गाइस, स्लाइड्स देख सकते हो कितने बड़े बड़े स्लाइड्स है। ये तो अभी फ्रंट व्यू है, हम उस साइड भी पीछे भी घूमेंगे। तो ये लॉकर मिला है, पर देख सकते हो कितना बड़ा है, मतलब काफ़ी लोगों का सामान आ जाएगा इसमें। तो सब लोग पहले बॉडी पे पूरा सनस्क्रीन लगा रहे, किसने लाए तो अंधे के, थैंक यू। तो बोल ना, थैंक यू ऐश्वर्या। तो सब लोग यहाँ पे मस्त क्लीन हो रहे, बिकॉज अंदर क्लोरीन का पानी होगा तो उससे स्किन को डैमेज हार्म नहीं होना चाहिए, इसलिए सब लोग ने लगा लिया है। नहीं लगाएंगे तो भी कुछ हार्म होने वाला है नहीं। तो ब्रेकफास्ट तो हो गया, हालांकि वो पाव भाजी थी, कुछ ज़्यादा खास थी नहीं, मतलब बिल्कुल डिश नहीं थी यार, मज़ा आया नहीं। और जो पोहा था वो थोड़ा सा ठीक था, तो कोई नहीं। तो अभी जा रहे, चलो सब लोग का तो नाश्ता हो गया, सब लोग आ रहे अभी। आधी रेन डांस करिए ना, पहले जाके हम रेन डांस करेंगे एंड फिर जो है बड़े बड़े स्लाइड है उस पर जाएंगे, बिकॉज अभी वो बड़े बड़े साइड पर जाएंगे तो सब अंदर का ऊपर नीचे हो जाएगा। बड़ा वाला मैंने दिखाया था ना, तो वो भी अभी ओपन हो गया है, मतलब क्योंकि हम लोग जब आए थे तब ओपन नहीं था एंड अभी ओपन हो गया है। फाइनली 10 मिनट लाइन में खड़े रहने के बाद मेरा नंबर आया एंड मुझे मिल गया है। इसके जरिए हम जाएंगे नीचे कुछ इस तरह। Whoa!
स्विमिंग पूल का तो मजा भी थोड़े देर के लिए हमने स्टॉप किया है, बिकॉज सब लोग ने स्टॉप किया बिकॉज वो बंद कर दिया। एंड अभी हुआ है लंच टाइम, तो लंच टाइम में सब लोग जा रहे हैं, सब लोग जा रहे तो वहाँ पे थोड़ा रश होगा है ना, थोड़ा थोड़ा करके भेजना चाहिए था, सीधा बंद कर दिया सबको भेज दिया एक साथ। तो चलो जाके लंच में देखते हैं मेनू क्या है एंड टेस्ट कैसी है, वो इम्पोर्टेंट है। मेनू कुछ भी नहीं, टेस्ट अच्छी रहनी चाहिए। तो देख सकते हो ये पुल भी खाली कर दिया, वहाँ का रेन डांस भी खाली कर दिया, जो अभी वेव पुल ऑन किया था थोड़ी देर पहले वो भी स्टॉप कर दिया। एंड सब लोग जा रहे हैं वहीं पर जाकर हमने ब्रेकफास्ट करा था। कूपन तुमसे नाओ थैंक यू तुझे नाम क्या है? थैंक यू थोड़ा सा सोचा थैंक यू क्या बात है, पूरी थाली भर ली थोड़ा सा एकदम एक पीस दे, हाँ बस क्या बात है, थैंक यू एक दे अजू एक 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 कमी कर एक कमी कर थैंक यू। तो भाई साहब पूरा का पूरा थाली हाउसफुल हो गया यहाँ पे एंड जगह भी हाउसफुल हो गई है। तो चलो बाहर ही चलते, जो इतने सारे आइटम्स दिए ना उन्होंने तो देख के तो मतलब सीरियसली पानी आ गया यार मुंह में, होप टेस्ट भी इसका अच्छा होगा। एंड पूरी की पूरी टीम यहाँ पे बैठ गए खाना खाने के लिए। दादा जेवन मस्त वाटते बघून बघवा टेस्ट कैसी है? काफ़ी सारे आइटम्स है देख सकते हो, सलाड है, पूरी है, चिकन है, शीरा है, दाल चावल, चिकन एंड अलग से वटाने की भाजी भी है। एंड अभी हम लोग आगे दूसरी जगह पे, बिकॉज वो साइड का तो जगह फुल हो गया था। चिकन अच्छा है? नहीं क्या बोलते उसको, चिकन 65 जैसा कुछ बना, क्रिस्पी है ना, चिकन 65 ओके। ये वही मैंने एक्स्ट्रा मार्क के लिया उसको ये। तो लंच भी हो गया यहाँ पर, हालांकि लंच भी कुछ खास था नहीं यार, मतलब देखने में इतना मस्त डिलीशियस लग रहा था ना, लेकिन कुछ टेस्टी था ही नहीं, तो लंच में भी कोई मजा नहीं आया। वो जो चिकन 365 कुछ था वो पीस मस्त था एंड शीरा मस्त था, बाकी वेज की सब्जी भी अच्छी नहीं थी, दाल चावल भी अच्छा नहीं था, मतलब खाना नकली था, कुछ खास ही नहीं था, कोई नहीं। तो हालांकि अभी बाकी के पुल वो सब बंद है, तो थोड़ी देर में चालू हो जाएंगे। सो ये छोटे बच्चे लोग का पुल देख सकते हो, तो चलो ये जो दिख रहा है इसका भी मजा लेके आते हैं। यहाँ से ऊपर जाना है, अंदर गुफा कुछ है, ऊपर चढ़ के ऊपर से नजारा देखते हैं। वो क्या बना है, क्या बात है। Thank you.
बस तिकून फसक्या ना, तर स्पीड कमी होईल. हवेत राहा, ठीक आहे. आपल्याला वर जायचं, एकदम पुढे घे पाय. दिसतंय डोके दिसतंय. चल पण तो ये वाला जो कि है उसमें तो पैसा वसूल हो गया ये कह सकते हैं, बिकॉज जितने भी स्लाइड है उसमें ये सबसे बड़ी और सबसे बेहतरीन है एंड सबसे ज्यादा मजा इसी में आया. हालांकि लाइन में थोड़ा सा खड़ा रहने में थोड़ा टाइम गया, बिकॉज बड़ी तो सब लोग इसको ही आ रहे थे ना, तो थोड़ा सा 20 मिनट गया लाइन में, बट मजा आ गया बड़ी वाली स्लाइड देख के. ओके सो 5:30 हो रहे हैं एंड टाइम हो गया, देख सकते कि अभी पूरा का पूरा रिसोर्ट खाली हो गया है, सब लोग अभी क्लीनिंग वगैरह चालू है. तो चलो निकलते हैं एंड जैसे कि आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि ये विरार का स्पॉट था एंड दी एटलांटिस ऐसा कुछ नाम था इसका. तो मेरा एक्सपीरियंस इतना खास था नहीं, ब्रेकफास्ट ठीक था ना, लंच ठीक था, मतलब मैं जो एक्सपीरियंस क्या बोल रहा हूँ एंड मैं हमारे टीम के साथ भी उनका एक्सपीरियंस भी आपको शेयर करूँगा, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस कुछ खास था नहीं. तो मैं इसको 10 out of 6 देना चाहूँगा, मतलब इतना खास तो लगा नहीं, लेकिन आप फैमिली के साथ आते हो, फ्रेंड के साथ आते हो तो जगह काफ़ी बड़ी है, तो हर जगह स्लाइड घूमने मिलेगी, इंजॉय करने मिलेगा एंड बड़ी बड़ी स्लाइड भी अभी ओपन हुए, वेव पूल का भी काफ़ी मज़ा आया था. तो ठीक है, एक फ्रेंड दो के लिए ठीक है. हाँ चलो अभी हमारे जो फ्रेंड्स है यहाँ पे तो उनका रिव्यू लेते. हाय प्रदीप दादा, तर सांगशील तुला कसं वाटलं? आहे छान, क्राउड आज जास्त होता. ओके ओके, संडे होता म्हणून क्राउड जास्त होता. मग काय काय प्रॉब्लेम तुला वाटली क्राउड मुळे? जेवणाला त्यांचे प्रॉपर हे नव्हतं. ओके, टेस्ट वगैरे नव्हती, काय क्वालिटी नव्हती जेवणामध्ये? ओके ओके, आणि चांगली गोष्ट काय वाटली? बाकी त्यांचे आहेत राईड्स वगैरे बरे आहेत तिथे. यहाँ पे आमने तो इतना टाइम यहाँ पे स्पेंड किया ना. हाय ब्रदर बोल. अच्छा लगा, हम लोग तो टीम बना के आए थे. कहाँ से आए हो? हम लोग मुंबई से आए. मुंबई में कहाँ से? डोंगरी. डोंगरी से आए, क्या बात है. तो फिर से आना चाहोगे यहाँ पे? इंशाल्लाह. क्या बात है, चलो थैंक यू. कसा वाटला तुला रिसॉर्ट? तसा छान है, पण आज संडे असल्यामुळे खूप ओवर क्राउडेड होता आणि ती क्राउड वाढल्यामुळे रिसॉर्टची जी मॅनेजमेंट टीम होती त्यांना ते हाताळणं खूप कठीण गेलं. स्लाइड्स बोलतील 11 slides आहेत तिथे, 11 slides पैकी 12 काही अन चालू नव्हत्या आणि जिथे होत्या तिथे खूप क्यू मोठ्या मोठ्या होत्या, त्यामुळे त्या ज्यासाठी लागणाऱ्या ज्या स्लाइड्स आहेत त्यासुद्धा अपुऱ्या आहेत. म्हणजे क्राऊड जास्त नसल्यामुळे ते सीट्स लागतात ज्या रबरचे त्यासुद्धा नव्हत्या. जेवणाचा रिव्ह्यू देशील तर जेवणाचं सुद्धा थोडं डल होतं, म्हणजे खूप नाव मोठं आणि थोडंसं त्या टाईपचं वाटलं मला आज. आम्ही नाव मोठं लक्षण खोटं तसं, पण ठीक आहे, आज ओव्हर क्राऊडेड असल्यामुळे त्यांना कदाचित मॅनेज करताना खूप कठीण गेला असेल, पण तरीसुद्धा टेस्ट जी अपेक्षित होती ती मिळाली नाही. आजसुद्धा म्हणजे बऱ्याच ठिकाणी असतं की ज्यांना व्हेज तर दुसऱ्यांना नॉनव्हेजवाल्यांना भुर्जी पाव वगैरे असं सुद्धा एक ऑप्शन असतो, पण इथे तो नव्हता. मिसळपाव, त्यानंतर पोहा, हे दोनच आयटम्स होते आणि त्यामुळं थोडंसं नाराज झालं असतं. जेवणसुद्धा थोडंसं डल वाटलं मला आणि ओव्हर क्राऊडेड असल्यामुळे क्यू क्यू म्हणजे जेवणासाठी लिटरली आपल्याला खूप वेट करावं लागला. म्हणजे एक विचित्र फिलिंग आली, क्राऊड असल्यामुळे टाइम लागला थोडा. अदरवाईज तर रिसॉर्ट खूप छान आहे. तर तुम्ही अनलिमिटेड देतात तर थोडं क्वालिटी पण मॅनेज करा, मेंटेन ठेवली पाहिजे. तुला कसं वाटलं? छान, ते बोलले मग तुला काय वाटलं, काय काय चेंजेस केले पाहिजे? फर्स्ट टाइम आहे त्यामुळे आपल्याला एन्जॉय करून जायचं, आपण आपले पैसे वसूल झाले, 700 रुपये काही मोठी गोष्ट नाही आहे ना, 700 रुपयामध्ये एवढं ठीक आहे आपल्याला. मॅनेजमेंट जरा चांगले झाले पाहिजे. ठीक आहे.
सबका रिव्यू आपको मिल गया एंड यहाँ पे आए जो थे उनका भी रिव्यू आपको मिल गया। तो अभी बस से जाना ना वापस, तो चलो बस का तो स्टार्टिंग में आपने देखा पिकअप ड्रॉप फ्री था, तो बस पकड़ के हम जाएंगे। तो रिसोर्ट का नाम था दी एटलांटिस, अगर आप चाहो तो यहाँ पे प्लान कर सकते हो फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ, ग्रुप के साथ। हालांकि इतना बुरा है नहीं जितना हमने सोचा था, बट ठीक है, एक हद तक ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो। चलो इन दोनों को पूछते कैसा लगा, ऐश्वर्या कसा वाटलं तुला रिसॉर्ट, कुठली गोष्ट आवडली, कुठली गोष्ट नाही आवडली तुला इकडची? फूड आवडलं का नाही आवडलं? फूड फूड खूप आवडलं, फूड आवडलं, खरा रिव्ह्यू दे, खरा रिव्ह्यू दे, सगळ्यांनी खरं खरं बोलला। वुमेन सारखं वाटेल, ओके ते तर आहे। तो चलो जहाँ से एंट्री की थी वहाँ से निकलते वापस बाहर। आई होप आपने भी काफ़ी मज़ा किया होगा, हमने भी काफ़ी मज़ा किया। फिलहाल के लिए आज का वीडियो ये पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, टेक केयर।